हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं जो हम बाज़ार से क्रीम चीज़ स्प्रेड लाते हैं वो घर पे बनाते हैं। देखिए, ये मैंने आधा किलो दूध फुल क्रीम फुल फैट रखा है, उबलने लगा है, और अब मैं इसमें आधा नींबू निचोड़ दूँगी। देखिए, और हमारा ये दूध कडल होने लगेगा। देखिए, कडल होने लगा है, और अगर नहीं होता तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और डालिए और देखिए। अभी मेरा ये ठीक से नहीं हुआ तो मैं इसमें थोड़ा नींबू का रस और डालूंगी। बिल्कुल दूध अलग, वो पानी अलग और पनीर अलग हो जाता है। देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से फट गया। देखिए, दिख रहा होगा आपको, ये पानी निकल गया है। अब हम इस पनीर को छान लेंगे। वैसे तो पनीर को छानने के लिए छलनी में मसलिन क्लॉथ लगाया जाता है, लेकिन मेरी ये बारीक जाली की और डबल जाली की है, इसलिए मैं इसमें नहीं लगा रही हूँ। और ये देखिए, ये हमने पनीर को छान लिया। आप इस पानी को फेंकिए मत, ये बहुत हेल्दी है, इसे आप दाल सब्जी बनाने में, आटा मलने में यूज़ कर सकते हैं। और पनीर को हमने बहुत टाइट कस के निचोड़ना नहीं है, क्योंकि क्रीम चीज़ थोड़ा पानी वाला होता है, हल्का हल्का उसमें पानी रहने देना है। सब्जी बनाने के लिए तो हम पनीर को दबा कर निचोड़ते हैं, बस इसको इतना ही निचोड़ना है। और ठंडा होने पर मैं आपको बताती हूँ, मिक्सी के जग में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। देखिए, ऐसे मैंने थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि मैं इससे आपको एक और रेसिपी बना के दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। अब ज़रा ये ठंडा हो जाए, इसमें डालेंगे हम हल्का सा नमक, और कोई भी खाने वाला तेल जिसमें अपनी स्मेल ना हो। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, एक चम्मच हम ये ऑलिव ऑयल डालेंगे। देखिए, और इसमें जितना भी ये लगा है मैं ये सब छुड़ा लेती हूँ इसमें से। मिक्सी में पीस लेती हूँ। देखिए, ये मैंने लगा दिया है, और अब हम इसको पीस लेते हैं। अगर आपको लगता है ये थोड़ा टाइट है तो आप इसमें कोई भी पानी डाल सकते हैं जो आपने पनीर बनाते समय निकाला था। मैं इसमें थोड़ा सा वो पानी डाल दूँ और इसको हमारा ये क्रीम चीज़ तैयार होने पे है। देखिए कितना क्रीमी हो गया है, इसको हम थोड़ा सा और पीस लें। ये भी थोड़ा सा पानी और डालूंगी। और अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन की बारीक बारीक काट कर आप इसमें पीस सकते हैं। अगर आपको लहसुन पसंद है, हम लोग लहसुन नहीं खाते तो इसमें मैं लहसुन नहीं डाल रही। देखिए, मेरा क्रीम चीज़ तैयार हो गया है। अब आप इसको
कहीं भी जैसे जो भी आप डिश बनाए जिसमें भी आपको यूज़ करना हो, सैंडविच में, पराठा में, जो भी फ्लेवर देना हो आप इसमें वो मिला सकते हैं और उससे स्प्रेड करके खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।